जीके गुरु जी अड्डा प्लेटफॉर्म पर मैं हाजिर हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की दूसरी क्लास लेकर। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ग्रामर क्या है, और आज मैं बताऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करके कि नाउन क्या है और इससे कितने प्रकार होते हैं। आइए शुरू किया जाए और देखते हैं कि नाउन क्या है। जैसा कि फ्लैश हो रहा होगा बोर्ड पर कि नाउन एंड इट्स टाइप्स, नाउन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। नाउन की बहुत सारे डिफिनेशन आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको नाउन की सबसे छोटी डिफिनेशन जो बताने चल रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, आप उसको देखिए। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है। वो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, वो किसी तरह के गुण हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई बात किसी सेंटेंस में है तो उसको नाउन समझा जाएगा। एक डिफिनेशन जो बहुत ही आम तौर पे आप सुनते आए हैं, पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान इन सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या है? किसी का नाम। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है। अब इसके साथ हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसके प्रकार के बारे में, अब हम उस पर बात करते हैं कि कितने प्रकार हैं नाउन के। नाउन को हम पांच अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। इसका मतलब कि टाइप्स में हम देखेंगे पांच अलग अलग, और उनमें फर्स्ट जो है वह प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से मतलब है द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन और प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन में बस सिर्फ एक जो बेसिक डिफरेंस है वो पार्टिकुलर वर्ड को लेकर है। पार्टिकुलर विशेष, स्पेसिफिक। जैसे ही किसी का स्पेसिफिक नेम हो जाता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे रमेश आगरा, लखनऊ, टेबल, चेयर, मार्कर, जब हमने किसी को स्पेसिफाई कर दिया, हमने व्यक्ति कहा, तो व्यक्ति के साथ में जब हमने कह दिया रमेश, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया। जो नाउन का दूसरा प्रकार है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है उसकी बात की जाए। कॉमन नाउन से मतलब है कि जैसे डॉक्टर, नर्स, टीचर, बॉय, ये कॉमन नाउन के एग्जांपल हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे डॉक्टर कहा हमने, तो ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। नर्स के बारे में इसी तरीके से, बॉय, टीचर, जो कॉमन है वो कॉमन नाउन। जैसे टेलर का एग्जांपल ले लिया जाए, एक्टर है,
नर्स, डॉक्टर, इनके एग्जाम्पल मैंने दिए ही आपको। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार है नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन। थर्ड टाइप कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन से मतलब होता है हमारा जो किसी ग्रुप के बारे में बात करता है। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन है जो ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्मी, बंच, हर्ड, ये सब एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के। ये हमको क्या बताते हैं? कलेक्शन। द बेसिक वर्ड इज कलेक्शन, जो ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने कहा बंच, अ बंच ऑफ कीज। हर्ड, हर्ड ऑफ शीप। फ्लीट, जो जहाजी बेड़ा होता है उसको फ्लीट कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब हो गया? जो कलेक्शन के बारे में एक बड़े ग्रुप की बात करते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। जो नाउन का फोर्थ प्रकार है, चौथा, वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच टेल अस अबाउट मैटर, मटेरियल और एनी सब्सटेंस, जिनसे किसी कोई धातु होती है, जैसे जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, आयरन है, ये सब एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन के। ये क्या है साइंस की लैंग्वेज में? इनको मैटर कहा जाए, जो पदार्थ होते हैं जिनसे कोई दूसरा पदार्थ बनाया जा सकता है वो मटेरियल नाउन में आते हैं। और इसके बाद अब हम देखेंगे लास्ट में जो नाउन का लास्ट टाइप है, फिफ्थ, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमारा मतलब है जो किसी पदार्थ के गुण, उनकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। फिर से आपको क्लेरिफाई कर दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी आइडिया, इवेंट, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जो किसी गुण की बात करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या बताता है कि बेस्ट पॉलिसी क्या, सबसे अच्छा क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छा है। काइंडनेस, जो मर्सीफुल होना है वो काइंडनेस है, दयालुता, ये हमारे अंदर का एक गुण है, ये हमारी विशेषताओं में से एक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाउन क्या है और उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं। नाउन को फिर से एक बार डिफाइन कर दूं मैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और उसके साथ साथ मैंने सबसे छोटी डिफिनेशन जो आपको नाउन की बताई थी, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम है इस यूनिवर्स में वो नाउन कहा जाता है। उनके हमने अलग अलग प्रकार देखे, जिनमें सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन देखा। प्रॉपर नाउन को एक तरीके से और समझा जाएगा तो हम देखते हैं कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन को लिखा जाएगा, जब भी इसकी शुरुआत की जाएगी, तो कैपिटल लेटर में करते हैं। प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी का नाम
सूर्य प्रताप सिंह है। तो मैं नाम लिख रहा हूं और आप देखिए इसको कि एस कैपिटल, पी कैपिटल और यस कैपिटल। इस तरीके से मान लो किसी के नाम में तीन अलग अलग वर्ड हैं, तो जितने भी वर्ड अलग अलग आएंगे सबको कैपिटल में ही लिखा जाएगा। दूसरा मैंने बताया आपको कॉमन नाउन, जो कॉमन है हमें वो कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय बताया था मैंने आपको, डॉक्टर। पर थर्ड टाइप जो आपको बताया मैंने, कलेक्टिव नाउन, हर्ड है, बंच है, आर्मी है। फोर्थ में आपको मैंने बताया मटेरियल नाउन, जो कोई पदार्थ है या जिनसे कोई और पदार्थ बनाया जा सकता है वो मटेरियल नाउन होता है, जिसमें गोल्ड है, आयरन है, कॉटन है। लास्ट में मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो किसी के गुण के बारे में, किसी की विशेषता के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट की जब बात होती है, जब क्वालिटी की बात होती है, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें काइंडनेस अभी आपको बताया मैंने, ब्रेवरी है, जैसे ये एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और मुझे लगता है कि आपकी समझ में पूरा नाउन आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।